गांव के लड़के की कहानी। आज की ये कहानी सुनने के बाद आप हर काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करोगे, या कह लो ये कहानी आपको मजबूर कर देगी पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करने के लिए। ये कहानी है एक गांव के लड़के की। घर की मजबूरी और पैसों की कमी की वजह से वह दूर शहर काम करने के लिए जाता है, ताकि वहाँ से वह कुछ पैसे कमा पाए जिससे उसका और उसके घर वालों का खर्चा पूरा हो पाए। वो लड़का काफी दिनों तक काम की तलाश करता है और आखिरकार उसे काम मिल जाता है। वो लड़का अपना सारा काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से पूरे दिन करता है, ये देखकर उसका मालिक खुश हो जाता है। अब 6 महीनों तक ऐसे ही चलता है। 6 महीने बाद वो लड़का अपने मालिक को कहता है, अब मैं कुछ दिनों के लिए वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। और उस लड़के को पूरी उम्मीद थी कि उसका मालिक उसे घर जाने से नहीं रोकेगा, लेकिन उस लड़के की सोच से विपरीत उसका मालिक कहता है, नहीं, तुम्हें 2 महीने का थोड़ा और काम करना है और फिर उसके बाद अपने घर जा सकते हो। लड़के को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत करके मालिक से पूछता है, बताइए मालिक, कौन सा काम है? उसका मालिक कहता है, हमें एक घर खरीदना है, तुम पूरे शहर में घूमो और तुम्हें जो सबसे अच्छा घर लगे वो घर खरीद लो, और जैसे ही यह काम खत्म हो जाता है तुम वापस अपने घर कुछ दिनों के लिए जा सकते हो। यह सुनकर वो गांव का लड़का खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी घर को खरीदने का काम खत्म कर देता है। वो मालिक के पास जाता है और कहता है, मालिक, मैंने सबसे अच्छा घर आपके लिए खरीद लिया है। मालिक हैरान हो जाता है और कहता है, सिर्फ 10 दिनों में तुमने अच्छा सा घर खरीद भी लिया? गांव का लड़का कहता है, हाँ, ये घर काफी बढ़िया था इसलिए मैंने खरीद लिया। और कहता है कि क्या अब मैं अपने घर कुछ दिनों के लिए वापस जा सकता हूँ? मालिक कहता है, नहीं, तुम सिर्फ 2 दिनों के लिए अपने घर वापस जा सकते हो। गांव का लड़का कहता है, अरे मालिक, मुझे गांव जाने में ही 1 दिन लगेगा, तो कैसे भला मैं 2 दिनों में वापस आ जाऊं? मुझे मेरे परिवार के साथ वक्त भी बिताना है। मालिक खुश होकर कहता है कि अब से तुम हमेशा अपने परिवार के साथ ही रहोगे। जो घर मैंने तुम्हें खरीदने के लिए कहा था वह घर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए मेरे तरफ से एक तोहफा है। ये सुनकर वह गांव का लड़का खुश होने के बजाय मायूस हो जाता है और कहता है, अगर मालिक आपने मुझे पहले कहा होता कि ये घर आप मेरे लिए खरीद रहे हो, तो मैं थोड़ी और जानकारी प्राप्त करके इससे और अच्छा घर खरीदता। मालिक ने कहा, मैंने तुम्हें 2 महीने दिए थे और 10 दिन में खरीद कर तुमने तुम्हारा नुकसान किया है। इसी तरह जिंदगी में भी हमारे साथ यही होता है। कहानी में जो मालिक था वो असल में वक्त था, और हमेशा वक्त जाने के बाद कहते हैं कि अगर मुझे पता होता तो मैं इससे भी अच्छा कर देता। इसलिए आप अभी जिंदगी में जो भी कर रहे हो उसे पूरे जुनून और मेहनत के साथ कीजिए। क्या पता आप आज जो काम कर रहे हो वो आने वाले समय में आपको जिंदगी बदल दे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।